हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, प्रतिदिन की तरह जो आज की सीसीएस यूनिवर्सिटी की न्यूज है वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, और साथ के साथ जो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते हैं उनके भी आंसर करने वाला हूँ। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि काफी सारे टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से काफी सारी चीजें क्लियर की गई हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं, बच्चे मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि सर, जो हमारे LLB के लिए एडमिशन चल रहे थे 3 ईयर LLB के लिए, तो क्या उसके लिए अब और ओपन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी? तो बिल्कुल क्लियर है, अब कोई ओपन मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी। जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो पूरी कर ली गई है, यानी कि जो अब एडमिशन है LLB के वो भी क्लोज कर दिए गए हैं 3 ईयर LLB के। तो अब उसके लिए एग्जाम फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो गए हैं, आप अपना एग्जाम फॉर्म भी भर लीजिएगा। यानी कि LLB के लिए जो हमारा 3 ईयर LLB है उसकी जो अभी एडमिशन हुए थे उनके फर्स्ट सेमेस्टर के भी एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे हैं, तो आप अपने एग्जाम फॉर्म भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद में आगे बात करते हैं, बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर को लेकर काफी चिंतित हैं कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम कब होंगे। बाकी कोर्सेज जैसे हमारा BBA है, BCA है, BJMC है, और भी जितने भी कोर्सेज हैं उसके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम को लेकर काफी चिंतित हैं, तो उनको क्लियर करते हैं। जो उनकी डेट शीट है वो जारी कर दी गई थी 18 तारीख से, लेकिन कल फिर से एक बार डेट बढ़ा दी गई है जो आपके एग्जाम फॉर्म भरने की, यानी कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्जाम फॉर्म फिल हो रहे थे तो शुक्रवार को उसकी डेट एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। अब आप अपने एग्जाम फॉर्म 17 मार्च तक भर सकते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके जो एग्जाम की डेट है वो भी आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि 18 तारीख से तो पॉसिबल नहीं है, उस पर आज डिसीजन दे दिया जाएगा कि अब आपके जो एग्जाम है फर्स्ट सेमेस्टर के वो कब से होने वाले हैं। उसके लिए डेट शीट भी हो सकता है आज जारी कर दी जाए नई डेट शीट, तो जैसे ही जारी होगी उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। और यदि आपको वो डेट शीट चाहिए तो उसके लिए मैं फेसबुक पेज दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। उस फेसबुक पेज पर आपको CCS यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड सब सारी पोस्ट मिलती रहती है, तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। जो फेसबुक पेज है वो है अमित चौहान सर के नाम से, तो वहां पर आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें एजुकेशन से रिलेटेड मिलती रहती हैं। इससे आगे बात करें, जो हमारा BEd है 2 ईयर BEd 2019-21 वाला जो सेशन है BEd का, उसके जो एग्जाम फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं, आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप भी 2019-21 वाले स्टूडेंट हैं, यानी कि आपका इस बार फाइनल ईयर है, तो जो 2019-21 वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और वो अपने 27 मार्च तक अपने एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद में जो उनके एग्जाम कराने की डेट है, वो एग्जाम कराने की जो प्रक्रिया है वो लगभग अगस्त में एग्जाम उनके कराए जाने हैं, यानी कि उनके जो एग्जाम होंगे वो अगस्त में कराए जाएंगे। और उनके जो एग्जाम फॉर्म है, एग्जाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 27 तारीख है, 27 तारीख तक आप अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे आगे बात करते हैं, जो हमारे प्राइवेट के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो प्राइवेट के लिए जो फॉर्म की डेट है वो है 20 तारीख। 20 तारीख तक आप अपने प्राइवेट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, चाहे वो आप रेगुलर हैं, चाहे वो आपके एक्स भरा जाना है, बैक भरा जाना है। तो प्राइवेट के लिए यदि आपको फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन लेना है तो वो आप ले सकते हैं, 20 तारीख तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 20 तारीख के बाद में हो सकता है डेट बढ़े और हो सकता है डेट ना भी बढ़े, तो आप उससे पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अपना एडमिशन कंफर्म कर लीजिएगा। जो कॉलेज अलॉट होने हैं 20 तारीख के बाद में होंगे। बच्चे काफी परेशान हैं, जो बच्चे अपना प्राइवेट के लिए फॉर्म फिल किया है अब वो चिंतित हैं कि उनके जो कॉलेज हैं वो कैसे मिलेंगे, उनका एडमिशन कन्फर्मेशन कैसे होगा। तो एडमिशन जो कंफर्मेशन होगा, जो कॉलेज कंफर्मेशन होगा वो होगा 20 तारीख के बाद में, यानी कि जो कॉलेज अलॉट होंगे वो होंगे 20 तारीख के बाद में, जब आपके जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो खत्म कर ली जाएगी। तो यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो या उस पर आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।